तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त। इसके लिए मैंने चने की दाल ली है, अरहर की दाल ली है और मसूर की दाल ली है। चने की दाल मैंने ये छोटी वाली कटोरी, आधी कटोरी ली है, और जो मसूर की दाल है और अरहर की दाल है वो भी मैंने दोनों मिक्स आधी कटोरी ली है। आधी कटोरी चने की दाल और वो भी आधी कटोरी, दोनों मिक्स करके टोटल एक कटोरी मैंने दाल ली है। मैं ये दो लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने दाल को आधा घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं ना गैस पे कुकर रख देती हूँ। मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन है। मैं ये दाल ऐड कर रही हूँ इसमें। पानी ऐड नहीं करा है मैंने, पूरा बाउल भर के पानी ले लिया था। उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ इसमें स्वाद अनुसार, और एक पिंच में हल्दी पाउडर डाल के इसमें एक सीटी तो अपन तेज़ गैस पे लेंगे और दो से तीन सीटी अपन कम गैस पे ले लेंगे, लो मीडियम पे लेंगे। मैं कुकर का लिड लगा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें चिकन ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च है मैंने आधा चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, धनिया पाउडर एक चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ये कलर के लिए होती है मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। इन सबको अपन अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कुछ भी नहीं ऐड करना है अपन को इसमें। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको अपन मैरिनेट करने के लिए आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। मैं इसको आधा घंटे के लिए इसी तरीके से रख रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन चिकन के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सालन तैयार कर रही हूँ मैं, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, आधी छोटी चम्मच जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और मैंने ये 2 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप करके रखी है, बारीक बारीक कट करके ये डाल देंगे। और मेरे लहसुन है, ये लहसुन को मैंने हाथों से कूटा है, आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस कर डाल सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, मैं ये इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे अपन, उसके बाद ये प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने दाल में भी नमक ऐड करा और चिकन में भी नमक ऐड करा है, इसलिए आप टेस्ट करके नमक ऐड करिए। अब अपन इसमें ये चिकन ऐड कर देते हैं, मैं ये ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से अपन फ्राई होने देंगे इन सब चीज़ों के साथ। एक कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसको ढककर इसी तरीके से छोड़ देंगे, गैस का फ्लेम लो ही रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन भी अपना ऑलमोस्ट कुक हो गया है पूरा कंप्लीट। और अब अपन दाल चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, दाल भी बहुत ही अच्छे से कुक हो गई है। तो मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ। दाल में अभी अपन पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, बाद में ऐड करेंगे। मैं चिकन डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कंडीशन में अब आप नमक ऐड कर सकते हैं टेस्ट करके, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको किस टाइप के आप लोग दाल खाते हैं। या तो बहुत पतली खाते हैं, या चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ी पतली चलेगी, और अगर आप रोटी या नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ खा रहे हैं तो ऐसी थोड़ी गाढ़ी चलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इसमें मैं आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधी छोटी चम्मच में काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ,
अगर बाद में लगे आपको तो इसमें पानी ऐड आप लोग कर सकते हैं, और पानी ऐड करने के बाद एक बॉईल ले लीजिए। अब इसमें अपन थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब इसको लिड लगाकर ढककर रख देंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो रेडी है अपना दाल गोश्त, बनकर तैयार है। अब अपन इसको 2 मिनट के बाद सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बनकर के रेडी है। मैं इसमें घी का तड़का लगा रही हूँ। तो ये मैंने इसमें घी का तड़का लगा दिया है। अब ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। इसे आप चावल के साथ, नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत ही यमी बनाया है ये, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी न्यू एंड हेल्दी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए एंजॉय, बाय, थैंक यू।